के अलावा मोहम्मद वाले मोहम्मद 2022 की इब्तदा हम करबला से मौला पास के रोजे से करने जा रहे हैं। आप सबके लिए दुआएं। मोहम्मद वाल मोहम्मद साल की इब्तदा करबला की ज़ियारत से इस वक्त हम करबला में पहुंच चुके हैं और मौला अब्बास अलमदार के रोज़े के सामने शेर व शायरी की जा रही है, सलामी की जा रही है, साल की इब्तदा होने जा रही है करबला में। बाकी आधा घंटा है, तकरीबन 45 मिनट है, सामने घड़ी पे देख सकते हैं 11:20 होने को करीब है और अबुल फजल अपनान जहरा मेरे साथ हैं। हम साल की इब्तदा इंशाअल्लाह मौला हुसैन और मौला अब्बास की ज्यारत से करेंगे। आप सब मोमिनीन के लिए बहुत सारी दुआएं और शेर व शायरी यहाँ पे पढ़ी जा रही है, मौला के फजाइल पढ़े जा रहे हैं और हरम मौला अब्बास सलाम के सामने यहाँ पर एक खुशी की लहर है बहुत ही प्यार अंदाज में। आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखा होगा कि साल की इब्तदा करबला में कैसे मनाई जाती है। चले आए आपको दिखाते हैं बैनुल हरमैन के मनाजिर के यहाँ पर कैसे मनाजिर हैं, 2022 की इब्तदा कैसे हो रही है देखिए। आपको पता है कि 19, 20, 21 ये बहुत ही मुश्किल साल गुजरे कोरोना की वजह से, वबा की वजह से, तो ये साल मेरे ख्याल से तीनों साल के बराबर इंशाल्लाह खुशी मनाई जाएगी लोगों की। अल्लाह पाक आपको 2022 में करबला की ज़ियारत नसीब करे। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ अबुल फजल अपनान ज़हरा और उनकी मॉम के साथ आए हुए हैं और ज़ियारत करने के लिए करबला बैनुल हरमैन के मनाज़र आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह, इस वक्त बैनुल हरमैन में पहुँच चुके हैं। आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और 2022 होने को करीब है और आप तमाम मोमिनीन के लिए बहुत सारी दुआएं। इमाम हुसैन की गुंबद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुंबद आपके सामने है। मेरी दुआ है जो अभी तक करबला नहीं आ सका खुसूसन उनके लिए कि अल्लाह उनको नसीब करे जिन्होंने हदिया पेश किया। इमाम मूसा कादिम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, इमाम मूसा कादिम की औलाद जनाब यूसुफ के रोज़े तामीरात में अल्लाह पाक उन सब के हदियों को कबूल कराए और उन सबको 2022 में करबला की ज्यारत नसीब करे। जिन जिन मोमिनीन ने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पर जहाँ जहाँ मुझे दुआओं के लिए कहा, जिम्मा लगाया, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, उन सब के सलाम मौला गाजी अब्बास अलमदार के कदमों पर और इंशाल्लाह बहुत आप सब की तरफ से सजदा और बोसा इंशाल्लाह पेश किया जाएगा चौखट पर और आप सब के लिए दुआएं की जाएगी। इस वक्त बहुत ही प्यारा मंजर है बैनुल हरमैन करबला का। सर झुका के मेरे मौला हुसैन को सलाम पेश करें। ये बाहर का मंजर है, अब मैं आपको इंशाल्लाह अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, मौला गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े पर पहुँच चुके हैं और ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। 2022 साल की शब जो है 12 बजने के करीब है। हम 2022 मौला अब्बास अलमदार और मौला हुसैन के रोज़े पे करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह यहीं पर है और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पर करते हैं। 2022 मौला ने हमें करबला में नसीब की है मौला हुसैन मौला अब्बास के रोज़े पर। और पिछले साल 2021 मैंने पेशावर में की थी परा चनार के बाद। सब मोमिनीन को याद कर रहा हूँ और सब मोमिनीन के लिए दुआएं।
बोला अब्बास का रोजा आपके सामने, दिलों को थाम ले। मोमिन और मोमिना जिस जिसने मुझे अरीदा दिया उनके अरीदे कबूल फरमा, जिस जिसने सलाम दिए उनके सलाम कबूल फरमा, और जो 2022 में आपकी ज्यारत के लिए आना चाहता है करबला, उन सबको करबला की ज्यारत, सब मिलकर शहजादा अबुल फजल भी मौजूद है और ये दुआ मांग रहा है आपके लिए, हाथ बुलंद कर लिए इसने दुआ ले। और मौला ने मुझे शहजादा दिया था मौला अब्बास ने, मौला की कुनियत अबुल फजल है, तो मैंने कहा मौला मुझे आपका कुनियत का एक गुलाम चाहिए आपके नाम का, आपकी कुनियत का, जो आपके घर की खिदमत करे, तो मौला अब्बास ने यह अबुल फजल अता किया मुझे। मेरे साथ ही और आप सबके लिए दुआएं हैं 2022 में, ख्याल होगा कि करबला में हैप्पी न्यू ईयर कैसे होती है ये देखें, ऐसे होती है। आज़ादारी और पुरसा करके या हुसैन करके नौजवान दुनिया के कहां लगे हुए हैं, और करबला के नौजवान या हुसैन की सदाएं बुलंद और गिरिया फरमा रहे हैं, या हुसैन। के लिए जो करबला आना चाहते हैं 2022 में, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 72 शुहदा जिनको मेरे मौला हुसैन ने अपनी कब्र के पास ही रखा है, कितना बड़ी अजाम है, शरफ की बात है। और मौला हुसैन की वफा की इंतहा अपने असहाब के साथ कि जब तक कोई भी जायर मौला हुसैन के रोजे पे जाएगा सबसे पहले इनको सलाम करेगा। मोहम्मद वाल मोहम्मद 72 शहदा की कबूर हैं यहाँ पर। अबुल फजल मेरे साथ हैं और 2022 की पहली शब 12 बजे के बाद हम ज्यारत मौला अब्बास के बाद मौला हुसैन की ज्यारत करने आए, क्योंकि मौला अब्बास से इजाज़त लेनी होती है मौला आका हुसैन के रोज़े पे जाने के लिए।
حتى وفاكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. محمد قبلت ابل پاس او زیارت کر شڑی اچھا زیارت کر شڑی چلیں 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 مولا حسین کے پاس چلیں چلتے ہیں مولا حسین کو سلام کرنے کے لیے 2022 کا سلام میرے مولا آپ کی مظلومیت پر لاکھوں درود و سلام یا حسین یا حسین یا حسین جس جس نے میرے اوپر ذمہ لگا ہے ان سب کے سلام قبول فرما 2022 کی پہلی زیارت امام حسین آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں میڈیا پر مجھے دعا دیجیے گا میرے ابو الفضل کو دعا دیجیے گا اللہ آپ سب کو 2022 میں محرم چہلم کربلا میں نصیب کرے الہی آمین انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں جس جس نے میرے اوپر ذمہ لگایا لبے کیا اس میں شبیر کے مدینے میں ہزار